ट्वेल्थ खत्म हो गई, सारे इंजीनियरिंग के एग्जाम्स दे लिए एंड फाइनली यू गॉट अ कॉलेज, मे बी जो तुम्हें पसंद था वो ना मिला हो, बट यू आर इन अ कॉलेज राइट नाउ एंड यू वॉन्ट टू नो कि क्या मैं करूँ ऐसा कॉलेज में जाके जिससे फाइनली आफ्टर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर आई गेट अ गुड प्लेसमेंट एंड अपने पेरेंट्स को मैं प्राउड फील करा सकूँ, खुद थोड़ा प्राउड फील कर सकूँ अपने बारे में। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। यू विल गेट अ पाथ रोड मैप बेसिक कि ये चीज़ें इस टाइम कर लेनी चाहिए। इट विल हेल्प यू आउट इन क्रैकिंग योर इंटर्न्स फॉर प्लेसमेंट्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इफ यू आर जॉइनिंग कॉलेज अभी फर्स्ट ईयर में जाने वाले हो एंड यू वॉन्ट अ हेड स्टार्ट कि यार बाकी सब ने तो कोडिंग नहीं करी, चलो मैं कोडिंग कर लेता हूँ, पहले कोडिंग कर लेती हूँ। सो वी हैव लॉन्च्ड एल्गो प्रेप, वहाँ पे वी हैव लॉन्च आवर फर्स्ट कोर्स एसडी इंटरव्यू प्रेप, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे। सो वो आप लाइक डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। यू कैन लाइक लर्न बेसिक जावा, अगर आपको कोई भी लैंग्वेज वगैरह नहीं आते, कुछ भी नहीं आता, विल टीच फ्रॉम बेसिक जावा टू DSA अच्छे वाले लेवल पे, मस्त 4 साल में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके यू कैन क्रैक व्हाटएवर ड्रीम कंपनी यू वांट। सो डेफिनेटली चेक इट आउट, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले यार हमने 11th 12th तो निकाल दी होती है इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करने में, ही घर पे पड़े रहते हैं, कोचिंग जाते रहते हैं एंड ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो नहीं बिल्ड हो पाता है। बट वेन यू जॉइन अ कंपनी, जब कॉरपोरेट में जाते हो ना, सो आप अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाउ यू स्पीक टू पीपल, हाउ यू टॉक टू पीपल, हाउ यू प्रेजेंट योर लाइक थॉट्स, चाहे वो इंटरव्यूज हो, चाहे वो इंटरव्यू बाद जब आप अपना लाइक प्रेजेंटेशन दे रहे हो कंपनी में, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। बट अब तक तो हमें किसी ने सिखाया नहीं है। सो ये चीज़ें कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ अस माइट नॉट बी गुड एट स्पीकिंग, राइट? स्टेज पे जाके बोलने में डर लगता होगा, मेरे को भी लगता था, ज़्यादा नए लोगों से बात नहीं कर पाते हो, मेरे से भी नहीं हो पाती थी। सो देर इज़ अ ईजी सॉल्यूशन फॉर दिस, आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू जॉइन सोसाइटीज़, क्लब्स। जैसे हर कॉलेज में ना कुछ क्लब या सोसाइटीज़ होती हैं। अब आपके ना कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है, आपको डांस पसंद हो सकता है, ड्रामा पसंद हो सकता है, आपको पेंटिंग पसंद हो सकती है, आपको लाइक इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना पसंद हो सकता है, फिर आपको स्पोर्ट्स पसंद हो सकता है। जस्ट गो गिव ऑडिशंस फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग यू लाइक और यू वॉन्ट टू ट्राई आउट। सोसाइटीज़ वगैरह ज्वाइन करोगे, यू विल हैव पीपल अराउंड यू जो आपके पास क्लास के नहीं हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स के लोग होंगे जिनसे आप इंटरेक्ट कर पाओगे। यू विल गेट डायरेक्ट एक्सेस टू सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर लाइक सीनियर्स, जिनसे आप गाइडेंस ले सकते हो, राइट? जिनसे आप जिनको आप अपने मेंटर्स बना सकते हो। सो वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है आप लोगों के लिए, लाइक फॉर मी। सो आई जॉइन 3 societies एंड आई बिकेम प्रेजिडेंट फॉर ऑल 3 जब मैंने अपनी लाइक मैं फाइनल ईयर में था। तो पहले मेरे को कुछ भी नहीं आता था, मेरे से बात भी नहीं होती थी, बट या ये सब करने के बाद योर सेल्फ कॉन्फिडेंस गेट्स बूस्ट एवरी टाइम जब किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात करते हो, अपने आइडियाज़ को पुट करते हो। सो आई डेफिनेटली रिकमेंड, सबसे पहले सोसाइटी ज्वाइन कर लो कॉलेज में जाते ही फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सिक्स मंथ्स ना कॉलेज में आके एक्सप्लोर करो अपने इंटरेस्ट को। हमने 11th 12th में नहीं करे होते हैं बहुत ज़्यादा लोगों ने, तो सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए एंड दिस वॉज द फर्स्ट टिप और रोड मैप का फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड चीज़ है कि स्टार्ट लर्निंग अ लैंग्वेज, ठीक है? ये सब आप दिन में अगर आधा घंटा एक घंटा भी निकाल पा रहे हो ना कोई एक लैंग्वेज सीखने के लिए, चाहे वो जावा हो, चाहे वो C++ हो, चाहे वो पाइथन हो, तो आपको आगे जाके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला होगा। अब इसके लिए बेसिक C++ सीखनी है तो हमने क्यूरियस चाहर पे मतलब एक प्लेलिस्ट टाइप बना रखी है, उससे देख सकते हो। जावा की सीरीज़ करेंटली हम अभी बना रहे हैं एंड एल्गोप्रेप आप लोग ज्वाइन कर ही सकते हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। सो दीज आर द वेज विच यू कैन डू एंड इन जनरल यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे ना कोई भी सीरीज़ तो आपको बहुत सारी सीरीज़ मिल जाएंगी एक लैंग्वेज की एंड किसी को भी आप फॉलो करके सीख सकते हो। अगर आपको फ्री में करना है एंड कोई कोर्स परचेज करना है तो इट्स अप टू यू। अब हमने लैंग्वेज सीख ली, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है यार? हमें अगर एक HD इंटरव्यू निकालना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर बनना है माइक्रोसॉफ्ट में, अमेजोन में, गूगल में, एटलाशन में, किसी भी अच्छी कंपनी में एंड ऐसे 25 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख वाले पैकेज चाहिए, तो क्या करना होता है? इस सब क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, यू नीड टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। सब इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं एंड लैंग्वेज सीखने के बाद नेक्स्ट स्टेप यही होता है। तो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? DSA लाइक सीखना स्टार्ट करना है, लीड कोड पे प्रॉब्लम्स करनी स्टार्ट करनी है। जितना ज़्यादा आप प्रॉब्लम्स करोगे, जितना ज़्यादा आप कॉन्टेस्ट दोगे ना, उतने ही आप अच्छे होते रहोगे इन चीज़ों में एंड दैट विल हेल्प यू आउट ड्यूरिंग योर टेस्ट्स एंड इंटरव्यूज। जब बाकी सब परेशान हो रहे होंगे ना यार, इंटर्नशिप सीजन आने वाला है और आप पिछले 1.5 साल से अच्छे से कोडिंग और कॉन्टेस्ट दे रहे होंगे, तो यू विल बी लाइक अरे ठीक है निकाल लेंगे, निकल ही जाएगी। तो वो वाला कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है हमें, वो इससे हो जाएगा, प्रैक्टिस करने से एंड कॉन्टेस्ट देने से। अभी हमने कर लिया यार, हमने DSA भी पढ़ लिया, हमने लैंग्वेज सीख ली थी, बट व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यूज़, इंटर्नशिप या प्लेसमेंट में ना हमें चाहिए होता है प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए मैंने अपने मेन चैनल निशांत चाहर वाले चैनल पे एक प्रोजेक्ट्स की लिस्ट दे रखी है। अराउंड 40+ प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। कुछ वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ ब्लॉकचेन के, कुछ मशीन लर्निंग के, कुछ बेसिक बस जैसे C++ से आपको जावा आते हैं उनसे भी बना सकते हैं। इसके अलावा ना उस चैनल पे मैंने वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड और iOS के रोड मैप्स भी बना रखे हैं कि अगर आपको इनमें से कोई भी लाइक टॉपिक सीखना है
कोई भी आपको डेवलपमेंट सीखनी है, सो यू कैन गो थ्रू दैट. आपको सारे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज मिल जाएंगे जिसको आप लाइक चेकआउट कर सकते हैं. सब वीडियोज का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. एंड दिस इज दिस लाइक सेकंड पार्ट. रेज्यूमे के लिए हमें चाहिए होते हैं प्रोजेक्ट्स. सो प्रोजेक्ट कहाँ से आएंगे? जब हम कोई भी नई डेवलपमेंट स्किल सीखेंगे तो हम अपने प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं. अब यार बस प्रोजेक्ट बनाने पे नहीं रुक जाना है हमें. इसके बाद ना नेक्स्ट दो तीन पाथ्स होते हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं. वी कैन मेक अ टीम, चार लोगों की, तीन लोगों की टीम बना के हम हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करने से क्या होता है, हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन सीख रहे होते हैं इन चीज़ों की. हमने बुकिश लैंग्वेज तो ले ली, हमने कोर्सेज बहुत सारे कर लिए, हमने जो वहाँ पे कोड लिखा था उसको कॉपी करके हमने अपने प्रोजेक्ट्स बना लिए, बट एक्चुअली हमने ज़्यादा चीज़ें सीखी नहीं हुई होती जब तक हम खुद इंप्लीमेंट नहीं करते. और हैकाथॉन्स में ना हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम खुद वो सारी चीज़ें ट्राई कर सकें एंड सीख सकें. सो डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन्स. इसका एक और काफ़ी अच्छा तरीका है, स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स. अगर मैं बताऊँ कि मेरे को एक अपने कॉलेज टाइम का क्या रिग्रेट है, दैट इज़ मैंने ओपन सोर्स नहीं किया था एंड आई रिग्रेट इट टिल डेट. अगर मैं करता तो मेरी जो कोडिंग स्किल्स थी या फिर मेरी जो लाइक कॉन्ट्रीब्यूशन स्किल्स थी शायद और ज़्यादा इंप्रूव्ड होती एंड मेरे को जॉब के टाइम ज़्यादा हेल्प करती. मतलब आफ्टर यू जॉइन जॉब इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट इट्स जस्ट गुड टू हैव दी स्किल्स, दे हेल्प यू इन लाइफ इन जनरल. मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों को भी ये सेम रिग्रेट हो. आप इस ओपन सोर्स करना स्टार्ट कर सकते हो. वो सब करने के बाद आप बहुत सारे लाइक कॉन्टेस्ट होते रहते हैं. एक गूगल समर ऑफ कोड होता है, मतलब इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ओपन सोर्स में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो. यू ऑल्सो गेट स्टाइपेंड विद दिस. अगर जीशॉक आपके रेज्यूमे में होता है ना तो काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, ठीक है, काफ़ी हेल्प करता है जब आप अपने इंटरव्यूज दे रहे होते हो. एंड जब वो इंटरव्यूअर देखते हैं कि अच्छा ये वाले प्रोजेक्ट पे आपने जीशॉक में काम किया था, तो दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट एंड वो बहुत मस्त रहता है. मतलब आपके उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें कर सकते हैं. दे नो दैट यू हैव वर्कड लाइक इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज़्यादा बड़े कोड बेस पे काम किया हुआ है एंड ऑल दीज थिंग्स हेल्प यू आउट. सो पूरा प्लान ये है कि हमें फर्स्ट सेम में अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करना है. कॉलेज में आए हैं, ठीक है, इतने टाइम से हम पढ़ाई कर रहे थे, हल्की फुल्की कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं. फिर सेकेंड सेम में हमें DSA पढ़ना स्टार्ट कर देना है. थर्ड सेम तक हमें DSA अच्छे से पढ़ लेना है, सारे कॉन्टेस्ट देते रहने. हम इतने अच्छे हो जाएंगे, इतने प्रो हो जाएंगे कि हम कॉन्टेस्ट देते रहेंगे और हमें फिर से रिवाइज करने की चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो हम बाई वीकली वीकली कॉन्टेस्ट देते रहेंगे. वो सब करने के बाद हम अपने डेवलपमेंट वाला पाथ स्टार्ट करेंगे. बिफोर सेकेंड ईयर कंप्लीट होता है हमारे पास एक दो प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे हैकाथॉन्स के थ्रू. इंटर्नशिप सीजन अगर आएगा ऑफ कैंपस ऑन कैंपस, तो उस टाइम पे हमारे पास एक अच्छा रेज्यूमे होगा क्योंकि हमने DSA तो कर ही लिया है, इसके साथ हमने प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी बना लिए हैं. ये करने के बाद व्हेन यू क्रैक एन इंटर्नशिप, आपके पास एक साल होगा बिफोर दैट इंटर्नशिप, यू कैन स्टार्ट लाइक कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स. ओपन सोर्स में कॉन्ट्रीब्यूट करके आप GSOC वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड ये सारी चीज़ें आप साथ साथ कर सकते हैं. सो दिस इज़ द होल रोड मैप. फिर थर्ड ईयर के एंड पे प्लेसमेंट सीजन आएगा. अगर PPO मिल गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं मिला तो कोई नहीं, हमने इतनी सारी प्रैक्टिस करी, हम फिर कोई कंपनी निकाल लेंगे एंड उसके बाद फिर जो आपको अच्छा लगे वो करो. सो दिस इज़ अ प्रिसाइज कंसाइज रोड मैप. इसको आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं. कोई चीज़ आपको पहले करनी है, कोई चीज़ बाद में करनी है, जैसे करनी है वो कर सकते हैं. बट दिस इज़ समथिंग विच आई वुड हैव डन अगर मैं अभी फर्स्ट ईयर में कॉलेज ज्वाइन कर रहा होता, बिकॉज मेरे को ऑलमोस्ट अब 6 साल हो गए हैं फर्स्ट ईयर में जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था. 2 साल आई बीन वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट एंड 4 साल पहले कॉलेज किया था, तो 6 साल हो गए हैं एंड दीज आर द थिंग्स विच आई वुड हैव डन एंड यू कैन डू. सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी. सब्सक्राइब टू क्यूरियस चाहर फॉर श्योर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में. तब के लिए.